शादी की डेट फिक्स हुई तो काफी इन्होंने बातें की आपस में, बहुत सारे एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक पता है दोनों को, पसंद पता है पसंद ना पसंद। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कितना आप इनको जानते हैं, कितना आप उनको जानते हैं। ओके सबसे पहले आप, ओके लेकिन ब्राइट के लिए अगर जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीवन। आपने मुझे ये बताना है इनका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट। अरे जैसे हमने बैडमिंटन का काजल थोड़ा सा हंसने लगे थे कि ये सही है नहीं है, सच बता रहा हूं पक्का। ओके अच्छा एक चीज और आपने बताना है, ठीक है, इनका फेवरेट कुजीन कौन सा है? पास्ता। अगेन अच्छा ये सही है नहीं? अच्छा आज तो जो भी हो सही होगा। ओके इनका अच्छा फास्ट फूड आपको बहुत पसंद है, वैसे आप लगते नहीं है कि फास्ट फूड मतलब मेंटेन फूड ही है। ओके अच्छा आप इनका बताओ इनका फेवरेट कुजीन? फास्ट फूड ही है। अरे यार इतने मेंटेन है ना एक बार दोनों। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वाइफ को प्रपोज करना है और उसके बाद रिंग पहनानी है। ओके अच्छा गर्ल साइड से कौन बोले एक बार दोबारा से शोर मचाओ, कम ऑन। Oh my God. Okay, ठीक है आप चाहे तो आप तारीफ करो, ठीक है, या चाहे आप कोई डायलॉग बोल सकते हैं या फिर इनके लिए गाना गा सकते हैं, whatever जो भी आप कहना चाहते हैं। I just wanted to say her that she is the most kind and the most beautiful woman I have ever met in my life. She makes me happy all the time. Yes, she is the best. I'm my favorite person. So I just wanted to ask her, will you marry me? पूरी करते हैं हम आप सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। सो सबसे पहले रिंग एक्सचेंज सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं एंड दोनों ही फैमिलीज को हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस लवली डे।